तो हे गाइस, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज नई वीडियो ला रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट कैसे हम लोगों से स्कैम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली दिखा देता हूँ मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। मैं दिखाता हूँ, देखो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ऑर्डर किया था, ठीक है, और इसमें मेरे को एक ऑफर भी था। देखो, जैसे मैंने ये वाला रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G ऑर्डर किया था। तो एक मिनट, मैं ऑर्डर में जाके दिखा देता हूँ आपको। ऑर्डर्स एंड ये देखो, ये मेरा ऑर्डर 18 नवंबर को मेरे को डिलीवर हो गया था। ठीक है, तो जैसे नीचे नीचे देखोगे तो ये प्रो प्लस 5G है, और इसमें देखो एक स्पॉटीफाई का था, 690 का फ्री था, 6 मंथ का प्लान, जीरो कॉस्ट में पड़ा था मुझे इस फोन के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये क्लेम मेरे को तब मिला जब डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, उसके बाद मेरे को ये कूपन कोड आ गया। ठीक है, बट इन्होंने लिखा है कि इसको 16 अक्टूबर 2024 से पहले मुझे रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने रिडीम करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है, तो इसको क्लिक करते, तो जैसे कि ये चल नहीं रहा, ये एक्सपायर लिंक है। तो मैंने क्या किया, इस कोड को कॉपी करके, एक मिनट, मैंने इनकी वेबसाइट है जो स्पॉटीफाई की रिडीम वाली, उस पर भी जाके देखा, बट वो उस पर भी कुछ इनका वो चल रहा था। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट देखो। जैसे यहाँ पे आया स्पॉटीफाई रिडीम, और यहाँ पे तुम अपनी आईडी लॉगिन करके से जो कोड उन्होंने दिया था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया और अपनी लोकेशन डाल के, और जैसे ही तुम कंटिन्यू करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो इन्होंने कोड दिया वो वैलिड ही नहीं है। तो मतलब कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं यार ये। जब तुम किसी प्रोडक्ट के साथ कोई स्कीम में ऑफर में दे रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर तुम दे रहे हो तो उसका यूज़ भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे मैंने लिया, अब मेरे को तो हाकि कि चल स्पॉटीफाई का प्रीमियम ये फ्री में चल मिल रहा है, तो कुछ बेनिफिशियल तो है। ठीक है, बट जब हम वहाँ पे गए रिडीम करने, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो कोड दिया है इन्होंने ये एक्सपायर है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको कि मेरे पास इनकी, मैंने फिर कस्टमर केयर से इनके बात की कि ऐसे ऐसे करके बात है, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप 2 दिन तक वेट कर लीजिए, और जो इनवैलिड कोड आपको रिसीव हुआ है उसके बदले आपको कुछ सोल्यूशन देंगे हमारी टीम। बट 2 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, एक मेल तक नहीं आई कि इस पर काम चल रहा है या कुछ भी, मुझे एक मैसेज तक नहीं आया। ठीक है, तो चाहे मैं आपको इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, रुको मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। अभी जैसे आपने बोला कि आपका जो कोड है वो इनवैलिड रिफ्लेक्ट होता है, राइट? जी, हम बिल्कुल परेशान मत होइए, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ से पूरी कोशिश करूंगी आपका जो कंसर्न है उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो आप क्लेम कर रहे हैं उसको, तो जो स्टेप्स मेंशन है प्रोडक्ट पेज पे उसी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, स्टिल आपको ये इशू आ रहा है, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, मेरे हैंड से जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा विकी जी, मैं वो आपके लिए करने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको जो इशू आ रहा है वो जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो सके। ठीक है, कि कोर्ट के रिगार्डिंग जो इशू आ रहा है, आप परेशान मत होइए, डिटेल चेक कर लेती हूँ यहाँ से मैं एक बारी, फिर मैं आपकी और बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊंगी। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो क्या मैं आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकती हूँ बेहतर जानकारी के लिए? कल तक वेट कर लेता हूँ, फिर जी देखते हैं क्या होता है। जी आप निश्चिंत रहिए, पूरी कोशिश रहेगी सर कि आपके जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके, कि आपको सही वैलिड वैलिड कोड इसी डिलीवर कराया जा सके। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, विकी जी, मोर सर। तो गाइस, तुमने सुना कि उन्होंने अभी भी मुझे शॉर्ट ही नहीं दिया कि हमारी जो टीम है वो कब तक मुझे मिलेगा। मतलब कुछ मतलब पक्का नहीं है कि हाँ मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है मेरी टीम काम कर रही है, ठीक है, पता नहीं कब तक काम करेगी। बट मैं यही बोलूंगा कि आप अगर कोई चीज करते हो ना, ठीक है, तो उसको पूरी श्योरिटी के साथ उसको दो, कि कस्टमर को वो चीज दिक्कत ना दे बाद में, ऐसा ना हो कि वो लेने के बाद भी पछताए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि अपना आप जो ये चीजें देखते हो कि साथ में वो फ्री है, तो इतना मतलब भरोसा मत करा करो इन चीजों पे, ठीक है, क्योंकि 50-50% चांस ही होता है कि वो चीज मिल सकती है। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, और मैं ज्यादातर तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन चीजें जब लेते हो ना, तो पूरी अच्छे से यूट्यूब पे जाओ, उसको सर्च करो कि उस प्रोडक्ट के रिलेट कुछ वीडियोज तो नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स अगर दिखते हो तो एक बार पहले चेक करो कि उस प्रोडक्ट का जेन्युइन रिव्यू है कि नहीं है। ठीक है, तभी, वैसे तो कॉस्टली चीजों को जब लेने जाओ ना, एक बार पहले रिव्यू देख लिया करो YouTube से, ठीक है, तभी बाय करा करो, वरना छोटी मोटी चीज तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, फिर होप वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कर देना और एक कमेंट ड्रॉप कर देना, जिससे क्या होगा कि जो नए यूजर्स आएंगे उनको ये वीडियो हेल्प करेगी कि वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, उसके रिलेट ही फिर वो देख पाते हैं कि हाँ, अगर वीडियो में पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही फिर वो वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 सेकंड का आपका जो टाइम होगा वो कमेंट कर देना उसमें, और बस यही था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।